पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के बयान पे मंत्री अशोक चौधरी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के बिना आरसीपी सिंह कुछ भी नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से आरसीपी सिंह दो बार राज्यसभा गए, और साथ में ये भी कहा कि बिना मुख्यमंत्री की कृपा से 5-10 हजार लोग भी उनके कार्यक्रम में नहीं जुट सकते। कौन पार्टी में, कहाँ पार्टी में, कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने ऐसी क्या भूमिका अदा की? बोलने के लिए तो बोलते हैं लोग कि हमने परिश्रम किया है। हम भी बोल सकते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बोलने की बात है। लेकिन जितना नीतीश जी की बिना कृपा के जो पद उनको मिला या जो प्रतिष्ठा उनको मिली पार्टी में, कौन ऐसा है इस पार्टी में कि माइक लगा करके घूम जाइए कि आज आरसीपी सिंह जी का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, अब 5,000 या 10,000 आदमी जुट जाएगा? ऐसा है कोई नेता क्या नीतीश जी को छोड़कर इस पार्टी में? कोई आदमी ये कहे कि हमने अपने परिश्रम से किया है, हमने सब कुछ है, मेरा बाकी किसी का कोई योगदान नहीं है, ये तो हमको लगता है हास्यपद है ना। वो तो कहते कि पीएम मोदी की कृपा है, केंद्र मंत्री बना पीएम मोदी की कृपा है। अब ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी जी की कृपा है तो ये बात सत्य हो गया ना कि नीतीश जी के कंसेंट से मंत्री नहीं बने, ये भी बात हो गया। खुद ही बोल रहे हैं कि बिना नीतीश जी के कंसेंट के मंत्री बने, ये भी बात प्रूफ हो जाता है। तो वो कहते कि मैं जमीन पर आ गया हूँ। अब देखिए, ऐसा है कि ये अब वो भविष्य में क्या करेंगे आरसीपी सर, वो अलग बात है, मगर ये कहना कि मैं परिश्रम से आया हूँ, हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से हास्यपद है। नीतीश जी के कृपा से दो दो बार राज्यसभा गए, नीतीश जी ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और नीतीश जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। जो भी व्यक्ति इस पार्टी में है वो नीतीश जी के कृपा से फलता और फूलता है। तो जो इस बात को मानते हैं कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ लोग हैं जो अब बोलने लगे हैं सोशल मीडिया साइट, कोई नीतीश जी के खिलाफ कोई नहीं इस पार्टी में, नीतीश जी के खिलाफ जो ऐसा करते हैं या बोलेंगे, जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो सब इस पार्टी के है ही नहीं। उनकी क्या भूमिका रहेगी पार्टी में? उनकी भूमिका जैसी भूमिका चाहेंगे वैसी भूमिका रहेगी, जैसी भूमिका चाहेंगे माननीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो तीनों मिलकर के जैसी भूमिका चाहेंगे वैसी भूमिका मिलेगी। नीतीश जी के अलावा इस पार्टी में कोई नेता नहीं, नीतीश जी सर्वमान्य नेता है। नीतीश जी के जिसके ऊपर आशीर्वाद है वो फलता फूलता है, जिसके ऊपर से आशीर्वाद हट जाता है। कौन पार्टी में, कहां पार्टी में कार्यकर्ता